हाय फ्रेंड्स, सौरभ दिस साइड। सो बहुत ही लंबे इंतजार के बाद फाइनली सैमसंग ने अपना M सीरीज जो है वो लॉन्च कर दिया है। दो फोन्स लॉन्च हुए हैं कल, एक है M10, एक है M20। जहां पे M10 आपको एंट्री लेवल का स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, वहीं M20 मिड रेंज का एक स्मार्टफोन है। दोनों फोन्स मेरे को काफी अच्छे लगे क्योंकि सैमसंग ने फाइनली कंज्यूमर्स के बारे में सोचा है और इस रेंज में जो फोन ट्रेंड सेट कर रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे M10 को लेकर, क्योंकि M10 जो है वो बहुत ही एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है और इसका जो बेस वेरियंट है वो है 2GB 16GB, जिसकी प्राइसिंग है 8000 के आसपास, 7990। एक वेरिएंट आपको और देखने को मिल जाता है जो कि 3GB 32GB का है और उसकी जो प्राइसिंग है वो 8990 है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे इसके कंपटीटर। सबसे बड़ा इसका जो कंपटीटर है वो है रियलमी का C1। 2019 में एक रियलमी का C1 एडिशन निकला है जो कि हाल अभी तक बिक नहीं रहा है, जस्ट अनाउंस किया है रियलमी ने, जिसमें आपको रैम और स्टोरेज का अपग्रेड देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई खास चेंज नहीं है फोन में, सिर्फ रैम और स्टोरेज का अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं दोनों फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि अगर आप 8000 के बजट में कोई फोन परचेस करना चाह रहे हो तो क्या आपको रियलमी का C1 परचेस करना चाहिए या फिर आपको सैमसंग का जो M10 है उसके साथ जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले बिल्ड के बारे में, स्पेक्स के बारे में, कैमरा परफॉर्मेंस, सब चीजों को मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड के मामले में। तो दोनों फोन जो है वो प्लास्टिक बिल्ड है बट देखने में काफी प्रीमियम लगते हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं है। सामने की तरफ डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों फोन्स के जो रेजोल्यूशन है वो सेम है, HD+ का डिस्प्ले, फुल HD+ डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलता, बट इस प्राइस रेंज में आप ज्यादा शिकायतें नहीं कर सकते। बात करें डिस्प्ले की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो तो वो मेरे को सैमसंग की अच्छी लगी। ऑब्वियसली सैमसंग की अच्छी ही लगेगी क्योंकि उसका जो नॉच है वो वी नॉच है या फिर ड्यू ड्रॉप नॉच भी आप बोल सकते हो। वहीं पर रियलमी का जो ये मेरे पास रियलमी का फोन है इसमें अच्छा मिनियन वाला स्क्रीन चढ़ा रखा है मैंने, तो इसका जो नॉच है वो नॉर्मल जो नॉच मिलता है आपको वही वाला है, बट इसका नॉच मेरे को काफी अच्छा लगता है, इतना बुरा नहीं लगता देखने में। अगर मैं इसको कंपेयर भी करूं तो पोको फोन से तो अच्छा ही है, वन प्लस से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसका नॉच इतना शानदार है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करेंगे जो कि है कैमरा। मेरे को पता है इसके मामले में सभी जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं कि कैमरा किसका अच्छा है। तो सैमसंग में आपको देखने को मिलता है 13+5 MP का एक सेटअप रियर कैमरा का, जहां पे जो 5 MP है वो पोर्ट्रेट मोड लेने के लिए नहीं है, वो एक वाइड एंगल है, तो जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि जब आप लैंडस्केप में अच्छे अच्छे फोटोज लेते हो तो वाइड एंगल जो लेंस है वो बहुत अच्छा काम करता है। जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो आपको बहुत ही वाइड मिलता है, जहां पे आपको रियलमी में जो आपको सेटअप देखने को मिलता है वो 13+2 MP का है। और सच बताऊं लिटरली तो ये 2 MP, ये जो थियरी है रियलमी की, ये मेरे को बहुत ही बकवास लगती है। तो 2 MP जो है वो एक डेप्थ सेंसर है, और सच बताऊं तो मेरे को इस रियलमी का जो कैमरा है वो इतना पसंद नहीं आया। मेरे पास है रियलमी का C1 और मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक करे बट सच बताऊं तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। सैमसंग के कैमरा जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में तो दोनों फोन के जो फ्रंट कैमरा है वो 5 MP के हैं, और यहां पे भी अगर बात करूं तो स्लाइड एडवांटेज फिर से सैमसंग का आता है क्योंकि सैमसंग की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो काफी अच्छी होती है रियलमी से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करेंगे जो है प्रोसेसर। यस, मेरे को पता है कि सैमसंग के बारे में सबकी यही सोच है कि इनका फोन जो है वो बहुत लैग करता है, बहुत ही ज्यादा हैंग करता है, तो इसका प्रोसेसर कितना अच्छा है। तो सैमसंग में जो यूज करा गया M10 में वो है एक्सिनस का 7870 और वही रियलमी C1 में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 450। अगर मैं गिगबेंच कोर्स के बारे में बात करूं तो सिंगल कोर या फिर मल्टी कोर दोनों रिजल्ट्स आपके स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको ये मान के चलना चाहिए जो परफॉर्मेंस है वो दोनों के आसपास ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये फोन बहुत ज्यादा लैग करेगा, ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको जो कलर ओएस मिलता है वो इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज तो नहीं है बट इतना बुरा भी नहीं है। वहीं सैमसंग का जो यूजर इंटरफेस है वो भी काफी ऑप्टिमाइज्ड है, तो हो सकता है कि ज्यादा लैग आपको देखने को ना मिले इन फोन्स में, इस M सीरीज के फोन में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो है बैटरी। तो रियलमी यहां पे क्लियर विनर है, आप कुछ यहां पे कोई शक व शुबा नहीं है। रियलमी में जो आपको C1 में जो आपको बैटरी देखने को मिल रही है वो 4230 mAh की एक मैराथन बैटरी है, जो आप अगर मतलब नॉर्मल यूजर हो तो आपका 2 दिन आराम से निकाल देता है। वहीं पे आपको M10 में जो बैटरी देखने को मिल रही है वो 3400 mAh की बैटरी है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि M20 में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, तो आई गेस M10 में आपको कम से कम 4000 mAh का बैटरी देना चाहिए था। तो यहां पे क्लियर वन जो विनर है वो रियलमी C1 ही है। अब फाइनली बात करते हैं स्टोरेजेस के मामले में और प्राइसिंग, क्योंकि सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, जो वेरिएंट है रियलमी ने हाल ही में 2 नए लॉन्च किए हैं वेरिएंट, जो कि 3GB 32GB और एक 2GB 16GB जो था उसे अपग्रेड किया है 2GB 32GB में, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सैमसंग में आपको देखने को मिल जाता है जो बेस वेरियंट है वो 2GB 16GB और एक और वेरियंट है जो 3GB 32GB वाला है। अब 3GB 32GB की जो प्राइसिंग है वो रियलमी C1 की जो है वो 8500 रुपए, जो कि मेरे को डिसेंट लगे, 8499 रुपीज, जो मेरे को
अच्छी खासी लगी। वहीं आपको जो 3GB 32GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको सैमसंग में देखने को मिल जाता है 8,990, मतलब ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज, 500 रुपीज का हेर फेर है, जो आप मेरे ख्याल से ठीक ही है क्योंकि सैमसंग के जो फोन है उसका डिस्प्ले अच्छा होता है, उसका कैमरा थोड़ा अच्छा होगा, तो उस मामले में मैं पिक कर सकता हूँ, बट बैटरी के मामले में इट सक्स। अब बात करेंगे जो बेस वेरिएंट है, यस मैं बाद में बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेस वेरिएंट आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि रैम कम और स्टोरेज भी कम तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो बात करते हैं यहाँ पे गाइज, जो Realme का C1 है वहां पे जो बेस वेरिएंट 2GB 32GB वो आपको पड़ेगा 7,499, मतलब 7,500 रुपए का। वहीं आपको जो सैमसंग का 2GB 16GB वर्जन है वो मिलेगा आपको 7,990, मतलब 8,000 का। तो यहाँ पे अगर आपका बजट इतना ही टाइट है तो आप Realme C1 के साथ जाना मेरे हिसाब से, बट अगर आपका बजट जो है वो थोड़ा ज्यादा है तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूं गाइस कि आप कौन सा फोन पिक करोगे, कौन सा पिक नहीं करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका यूजेज क्या है। अगर आपको अच्छे पिक्चर्स चाहिए, अगर आपका फोन ज्यादा स्टाइलिश आप पसंद करते हो तो मेरे हिसाब से आपको सैमसंग के साथ जाना चाहिए क्योंकि इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज्यादा है और इसका कैमरा बेटर है Realme C1 से। बट अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा हो और जिसमें आप रफ यूज कर सको और रफ एंड टफ आपको एक फोन चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Realme C1। सो ये मेरी सजेशन थी और ये मेरे ओपिनियंस थे इस फोन के बारे में, दोनों फोन्स के बारे में। आप लोग बताना कि आपके ओपिनियंस क्या है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है। और M20 अगर मैं सोच रहा हूं M20 परचेज करने का, अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं उसे कंपेयर करूंगा Realme 2 Pro के साथ क्योंकि वो एक डायरेक्ट कंपैरिजन करने लायक फोन है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही था, आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम है चैनल पे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।